सब लोग मेरे साथ प्रार्थना करेंगे जो शब्द समझ में आए, क्योंकि मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो आवाज ईश्वर तक पहुंचती है। आइए। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम।
बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कुछ लोग जाने से ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ वीरान हो गया। और जब माँ का नाम हम लेते हैं, जब तक माता पिता होते तो हम सब अपने आप को बच्चा ही समझते, हम छोटे बच्चे हैं। और जैसे इन दोनों की साया सिर से हटता है, उस दिन से महसूस तक हम सच में बड़े हुए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। उससे पहले कुछ भी कर लें, चाहे हम कितने एज के हो जाए, मम्मी पापा होते हुए उनको लगता है एक कोई और है जो एक डिसीजन लेने वाला या कोई संभालने वाला। बहुत बड़ी क्षति है माँ का नहीं रहना, लेकिन माँ इतनी अच्छी होती है, कभी हमें छोड़ के जाती नहीं है। वो हमारे बीच में शरीर रूप से नहीं होंगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस परिवार में हर वक्त उनकी कृपा आशीर्वाद बनी रहेगी, ये विश्वास सभी लोग रखिएगा। आइए ईश्वर से प्रार्थना, इस परिवार को बहुत ढेर सारा सहन शक्ति मिले और उनके किए गए अच्छे कामों को सब लोग मिलकर आगे बढ़ाए। आइए सुंदर से प्रार्थना और सब लोग मिलकर गाइए जो शब्द सुनवाए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा। हम चले नेक रास्ते पे हमसे
जो भी भजन गा रहा हूँ आप ये सोचिएगा कि मैं हम लोग नहीं गा रहे, माता जी खुद गा रही है, क्योंकि उनके सारे पसंद के गा रहा हूँ जो मुझे लिस्ट दिया गया है। और वो संगीत बहुत संगीत प्रेमी थी और ये शायद हमारा भी सौभाग्य है कि हमें आज उस संगीत को चाहती थी और हमें मौका मिला है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा रहती है उनको हम बहुत सारे गिफ्ट दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, इलाज दे सकते हैं, लेकिन शरीर से आत्मा निकलती है अब उस आत्मा के लिए हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, उनको सिर्फ प्रार्थना दे सकते हैं। और आज परिवार के लोगों ने वही प्रार्थना का आयोजन किया है, आइए हम सब लोग मिलकर उनको प्रार्थना देंगे ताकि उनकी आगे की यात्रा बहुत मंगलमय हो, बहुत सुखमय हो। आइए बहुत ही सुंदर सी प्रार्थना। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को जल जाए परवर की छाया। ओम कबीरदास जी ने बहुत चखा है। कबीरा जब हम पैदा हो गए जब हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। एक इंसान जब अच्छे कर्म करके जाते हैं ईश्वर चरणों में वो हंसते हुए जाते हैं और उनके पीछे हम सभी लोग अपने आंखें नम किए बैठे होते हैं। आज हमारी प्यारी सी माता जी उन्होंने इतने अच्छे कर्म करके गए हैं कि आज सब लोग उनके पीछे यहाँ पे आंखें नम करके बैठे हैं और उनके लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी माता जहां भी हो ईश्वर के चरणों से लगा रहे, ईश्वर उनको अपने समीप रखे और उनकी जो आगे की यात्रा है वो बहुत मंगलमय बहुत सुखमय हो। इसी मकसद से हम सब आज यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। आइए एक और कबीरदास जी की भजन और मेरे पुत्र अवनीश के भजन। Yeah.
पास भीनी चरिया झीनी रे झीनी। ये मेरा पुत्र है और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी किरण जी है और मेरी बेटी आज नहीं आई, वो बहुत अच्छा गाती है। अभी चार दिन पहले पूरे इंडिया में क्लासिकल उसमें फर्स्ट आई हूँ और मोदी जी से उनको अवार्ड मिलेगा अभी। हम चारों संगीत को समर्पित हैं। मेरा बेटा अपना बॉलीवुड और गजल सूफी का प्रोग्राम करते हैं बड़ी स्केल पे, तो कभी कभार इसे मेरे साथ आ जाता है गाड़ी चलाते हुए। किसी एक स्टेज पर गाते हैं मोनिका जी, इनको सोनी दुर्गा जी हरे कुर्ते वाला जरूर लाइएगा साथ में। आज हमने वही इनको ड्रेस पहना है जिस ड्रेस में आपने वीडियो में देखा होगा। तो बस इनको आप सबसे आशीर्वाद दिलाने के लिए इनको लाता हूँ, ये सबसे आशीर्वाद दिलाने, क्योंकि संगीत पढ़ने बहुत जीनियस था। नॉन मेडिकल लिया था और 96% के आए थे 12th में। इसके बाद इन्होंने म्यूजिक सेलेक्ट किया तो खैर बहुत जल्दी बहुत अच्छा कामयाबी मिली। अभी डी यू में बेस्ट अचीवर अवार्ड मिला है पूरे डी यू के अंदर, एक बच्चा ग्रुप था इनको मिला है सर। रामदास कॉलेज इस वक्त एम ए फर्स्ट ईयर इनका हो चुका है। तो म्यूजिक में आके भी अच्छा लग रहा है कि सब लोग मिल के एक साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा मान रहा है। आइए, मैं जैसे मैंने कहा था माँ मतलब अलौकिक शब्द है। एक माँ हर वक्त अपने परिवार के लिए क्या चाहती है, क्या सोचती है, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती है। एक बच्चा जब बिस्तर गीला करता है तो मम्मी को सूखे भी सुलाते और खुद गीले भी सो जाती, माँ वही है। आइए माँ क्या कहती है। भगवान ने मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है
माता जी कृष्ण जी की बहुत भक्त थी, एक बहुत सुंदर श्लोक है, ना हम वसामि वैकुंठे ना योगी हृदय चा मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु कहते हैं नारद मुनि जी से, हे नारद, ना मैं वैकुंठ होता हूं और ना ही मैं साधु संतों हृदय होता हूं, मेरे भक्त जहां में भजन कीर्तन करते हैं, सामवेद गायन करते हैं, मैं वहां पे विराजमान होता हूं। आज समझिए कि हमारी माता जी की विदाई समारोह में भगवान विष्णु यहाँ पे विराजमान होंगे, क्योंकि यहाँ पे सामवेद गायन का मतलब प्रार्थना समारोह कर रहे हैं। तो आइए एक और सुंदर सत्री का भजन, जो लोग नीचे बैठ सकते हैं थोड़ा आगे भी बैठ सकते हैं नीचे बैठने का, ताकि बाकी लोग पीछे बैठते जाएंगे। Krishna Damodaram,
Yeah.
आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि सभी परिजन हैं। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत हेल्पफुल, लोगों की बहुत मदद करना चाहते थे, खासकर गरीब बच्चों को। और खाना बनाने की बहुत शौकीन थी और उनसे भी आगे खिलाने की बहुत शौकीन थी। मतलब जब कुछ अच्छा बनाती थी उनका मन करता था कि मैं कितने लोगों को खिलाऊं खाना। ये पहले के लोगों की बड़प्पन है। आजकल हम सुनते हैं दो लोग पति पत्नी अपना पेट भर जाए काम तमाम। पहले जो बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हमसे पहले वाले जनरेशन, वो ज़्यादा खिलाने पे विश्वास। मेरे नाना जी मेरे गुरु जी हैं, मेरे आदरणीय श्रीमान धर्मानंद झा जी, उनका सुनते हैं हम तो बाद में कि कभी वो अकेले पूरी जिंदगी में खाए नहीं खाना। उनका जब भी लगता था, हम लोग गाँव में रहते हैं तो वहाँ पे नाना जी के साथ पाँच छः और लगते थे थाली हमेशा, और कौन आएगा कौन खाएगा कुछ पता नहीं था, बट नानी लगा सकती थी। और जैसे नाना जी आते थे दरवाजे से खाने के लिए अंदर, अपने आप पांच छह लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आते थे। कभी पांच लोग, दस लोग, बीस लोग से कम कभी नहीं खाए वो। कभी एक दिन की बात है, नानी कह रही थी बारिश हो रही थी और अकेले थे, उन्होंने खाना नहीं खाया। और अन्नपूर्णा पहले पता नहीं क्या था कि सब कुछ होता भी था, कम पैसे होने के बावजूद भी भरा पूरा रहता था क्योंकि मन पड़ा था। हमारी माता जी में यही खासियत थी कि हमेशा दूसरों को खिलाने में बहुत उनका मन करता था। बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, दूसरों को खिलाती थी, दूसरों जब खाते थे उनको लगता था कि मेरा पेट भरा है। तो ऐसे लोग के लिए मैं बोलूँगा, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो एक पन्ना है किताब बाकी है। माता जी के लिए आपने जितना भी सुना ये पन्ना भर है, और अब जहां भी वो गई है सुंदर सी किताब लिखेंगी, और वो किताब बहुत खूबसूरत हो। शायद इसलिए उनके दिए हुए संस्कार इस परिवार पे कि उन्होंने सामवेद गायन रखा है, नहीं तो लोग कई बार एक सिंपल से पंडित जी बुला के भी विचार शब्द और दर्दनाक शब्द होते वहां पे, चौरासीला जीवनी बहुत सारी बातें होती है। हम लोग कोशिश करते हैं मोटिवेशनल बातें, क्यों, जो लोग आया है धरती पे सबको जाना पड़ेगा, सबको जाना ये निश्चित है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा हाँ दुख होता है कि हमारे परिवार से कोई गया है, लेकिन हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनका सिर्फ शरीर जाता है, वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि उनके अपने दिलों में हम उनकी यादों को जिंदा रखते हैं। तो आज इस परिवार के लोगों ने जो सामवेद गायन रखा है, और जैसा कि हमने कहा था कि सामवेद गायन सुनने के लिए भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, आज हमारी प्यारी सी माता जी की विदाई समारोह में भगवान विष्णु जी में विराजमान होंगे। आइए बहुत सुंदर सा भजन अवनीश की आवाज में।
राम है स्वराम
एक और कबीर दास जी की बहुत सुंदर भजन, जग नहीं अपना बेगाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, प्रभु की नगरिया, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, प्रभु की नगरिया, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जग नहीं अपना बेगाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। Thank you.
गाना है रे बंदे, जाना 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 है रे बंदे। ओम राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे तेरा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। हरी आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे तेरा पार, उदासी मन काहे को करे।
एक मेरे पास भजन है जिसमें एक माँ के लिए बच्चे क्या सोचते हैं, माँ जैसी अनमोल जिनका कोई मोल ही ना हो। जैसे मैंने कहा था माँ एक अलौकिक शब्द है, जब उनका साया उठता है तो बच्चे के मन में क्या क्या बातें आती हैं, इस भजन में वो भावना है। बच्चे सोचते रहते आखिर वो गई कहाँ है, कौन सी वो दुनिया जहां मां गई है, कैसे उनसे दोबारा मिलूंगा। तो आइए, मेरे पास बहुत ही भावपूर्ण भजन है, बड़े ध्यान से सुनना है। Ma, 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 ma,
कई बार लोग हमारे बीच में होते हैं और एकदम से एक दिन पहले बात होती है, अगले दिन पता चलता है वो नहीं है। तो मन में एक सवाल रहता कि आखिर क्या हुआ ऐसा, कौन सी दुनिया जहाँ लोग एकदम से छोड़ चले जाते, कौन सी आत्मा है, क्या है कि शरीर से निकलते हैं शरीर बेजान हो जाती है। हम सब बचपन से ईश्वर के विषय में सुनते हैं, भगवान के विषय में, लेकिन किसी ने भगवान को देखा नहीं है। भगवान को हम माता पिता के रूप में ही देखते हैं। मेरे गुरुदेव परम आदरणीय स्वर्गीय श्री धर्मानंद झा जी, जिसने मुझे संगीत सिखाया, और आखिरी में हमने जिसने सीखा वो पंडित जसराज जी हैं, जो बहुत बड़े, हम तो कर कुछ कर नहीं पाए। वो कहते हैं कि जिस परिवार में माता पिता की वाजिब सेवा हो, यानी नेचर के साथ जुड़ा हो, माता पिता की सेवा हो, और भाई भाई में अपने में बहुत प्यार हो, अगर एक भाई नीचे जा रहा है बिजनेस में या मानसिक स्थिति में या शारीरिक रूप में, उनको बराबर पे लाने में जो सहयोग करे, और अतिथि की सेवा हो, उस घर में कोई दूसरी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कर रहे तो आप बिल्कुल मन से संतुष्ट है कि हमें सब कुछ, हम वाजिब चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि जब कई बार रूटीन से देखो करते हैं तो हमें बहुत बातें ध्यान रखें, हमें पूजा करना चाहिए, भगवान को बहुत ज़्यादा सुमन करना चाहिए। फिर ईश्वर क्या है, ईश्वर जो हमें बताया कि ये मार्ग सही है, अगर उस मार्ग पर हम चलते हैं तो वही असली बात है। इसलिए जिस घर में माता पिता की सेवा हो, भाई बहन में बहुत प्यार हो और अतिथि का सम्मान हो, उस घर में कहते हमेशा बरकत ही बरकत रहती है और एक संतुष्टि रहती है। आइए चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, जहां तुम चले गए। ना कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चले गए
ऐसे मौके पे आंसू भी निकलते हैं और निकालना भी चाहिए, उससे मन बहुत हल्का होता है। क्योंकि वैसे तो संत कहते हैं कभी भी किसी विदाई पे आंसू नहीं बहाना चाहिए, हमें ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। सोचिए वो अपने घर जा रहे हैं, एक बेटी की विदाई हम कैसे करते हैं, आंखें नम होती हैं लेकिन मन में खुशी भी होती है कि बेटी अपने घर जा रही है। समझिए बिल्कुल वही कहानी है कि माता जी अपने घर में अपने निज धाम को गई हैं। जाने का गम तो होगा सबको, आंसू भी बहेंगे, लेकिन इसके बाद हमें ये भी मन में रखना है जो भी जीव आया है सबको एक एक दिन जाना है, और उसी चीज को फॉलो करते हुए माता जी अपने घर को गई है, अपने निज धाम ईश्वर के चरण में। तो मैं ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। माता और पिता इनका कोई विकल्प कोई ऑप्शन नहीं होता है, बाकी हर चीज का हमें ऑप्शन मिलता है। आज ये घर में दूसरा घर मिल जाएगा, एक माँ बाप का कोई ऑप्शन कोई विकल्प नहीं है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपने संतान में प्राण जिसके रहे, लोरियां होठों पर सपने भुनती नजर, नींद जो मारे ले हंस के हर दुख सहे, ममता के रूप में है प्रभु आपसे पाया वरदान। श्रीमती सरोज सिंघल जी और उनके पति महेंद्र कुमार सिंघल जी, खासकर मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करूंगा, क्योंकि जीवन जो है दो पहिए से चले। लौटा जो दिया तो मैंने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर समझा।
उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा उलझन आने पड़ी, उलझन आने के माध्यम से अपने नानी को भावना व्यक्त करेंगे। Thank you.
देखो नानी के लिए बोलो, हमारे लिए बोलो, कैसा लगा भजन? नानी के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि उनसे ही हमने बहुत कुछ सीखा है और ये सब हमें जिंदगी भर बहुत काम आएगा और मतलब हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमसे बहुत प्यार करती थी तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कहीं गई हैं, हमारे साथ ही हैं और हमें हम उन्हें हमेशा फील कर सकते हैं तो इसलिए मतलब उनको याद करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हम उन्हें भूले नहीं हैं तो हमारे साथ ही हैं। ये बात बिल्कुल सही आपने कहा, और प्यार करती थी नहीं है वो, कभी आपको कहीं छोड़ सकती क्या? बेटा आप लोग घर जाओगे ना तस्वीर बोलेगी और जब भी आपको याद आए ना नानी की बस ध्यान करना क्योंकि वो भगवान में समा गई, ठीक है? बस आपको ध्यान करना है और नानी आपके सामने होंगी और जो भी आप मन्नत मांगोगे, ठीक है, बिल्कुल रोना नहीं है क्योंकि नानी तो कभी वैसे भी नहीं जाती, नानी कहीं जाती क्या? और आपने इतना सुंदर गीत उनके लिए सुनाया, उनके जीवन दर्शन के ऊपर एक गीत था जो दूसरों के लिए जीती है, दूसरों को खुश को देना, तो बहुत बड़ी हस्ती यहाँ है। मैं जैसे आते ही मैं फोटो देखा, मैं भी मोनिका जी से कहता कि फोटो ये सब बोल रही कुछ कह रही है मैं, तो ऐसे लोग नहीं चाहते हैं, बस अपने दिलों में उनकी याद को हम जिंदा रखेंगे। एक शिव जी का भजन है उसमें यही कहना है कि आत्मा कहती है कि ना मैं जीव हूँ ना जंतु हूँ, आप सुनिए फिर आपको मीनिंग समझाऊंगा। बहुत सुंदर सा शिव जी का भजन है और उस बीच में मैं बता दूं हम लोग, मैं मणि कुमार झा हूँ, दिल्ली पश्चिम बिहार से आया हूँ, मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी किरण जी हैं। क्योंकि ये बताता हूँ इसलिए कई बार लोग सोचेंगे सर कोई प्रोफेशनल सिंगर बाहर से है, हम पूरे परिवार ही संगीत में हैं और ये मेरा पुत्र है और बेटी आज नहीं आई है, बहुत अच्छा गाती हूँ, बहुत सुंदर। तो हमारा संगीत धारा है यूट्यूब चैनल का नाम, तो उस पर आप लोग एक बार जाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे भजन बहुत सुंदर सुंदर उसमें इनके भी, अमनीश का भी है, दिया का भी है, किरण का भी है और मेरे साथ बांसुरी पे बहुत बड़े घराने से ओमकारनाथ प्रसन्ना जी और तबला पे कुलदीप जी हैं। शब्द समय में आप सब गाना जोर से, ठीक है? इस पर एकदम शिव जी का भजन है। ना मन हो ना बुद्धि ना चित्त अहंकार ना जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार चित्त अहंकार न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार न चलता न रुकता न कहता न सुनता जगत चेतना हो अनादि अनंता जगत चेतना हो अनादि अनंता वायु ना
पाप गुण दोष विषय पर्यंता जगत चेतना हो अनादि अनंता जगत चेतना हो अनादि अनंता ना पुण्य ना पाप सुख दुख से अलग हो न मन हो न बुद्धि न चित्त अहंकार
आत्मा कहती है और शिव जी कहते हैं। तो मैं इस परिवार का थोड़ा सा परिचय कराता हूँ, इसे आप सभी जानते हैं। ईश्वर मलिन, ब्रह्मलीन, श्रीमती सरोज सिंघल जी, इनके पति श्रीमान महेंद्र कुमार सिंघल जी और माता सरोज जी 1947 से 2021 तक का इनका जीवन का यात्रा रहा और बहुत ही सुंदर यात्रा रहा। एक बहुत सुंदर गुलदस्ता फुलवाड़ी बना के गई है और सबको सुसज्जित करके 74 ईयर्स की एज में अपने शरीर का त्याग किया उन्होंने एक साल पहले। ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, शुरू से धर्म को बहुत मानती थी, भक्ति भजन में रहती थी और हेल्पफुल नेचर। उससे भी ज़्यादा इनका था कि दूसरों का मदद कैसे करें, मदद करना ही अपने आप उनको पूजा मानती थी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और ये बहुत सिंपल नेचर की थी, बच्चों से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती थी। छोटे जैसे उधर बड़े थोड़े बड़े बन के रहते, वो नहीं, सबसे बहुत आसानी से घुल मिल जाती थी। इसलिए मेरे ख्याल से बच्चों को ज़्यादा आसानी होता था, दादी नानी को उनसे चॉकलेट टॉफी लेना है ना, तभी बहुत खुश हो रहे। और वो जैसे हमने बताई, कई बार मम्मी आलस भी करती हैं, तो अगर दादी नानी अच्छी हो तो वो खाना बच्चों बस खिलाती रहती है। तो खाना बनाने का बहुत शौक था और जब बनाती तो जाहिर सी बात है खुद तो खाती नहीं, ज़्यादा खिलाने का शौक। तो कहने मतलब कि जो प्यारी माता जी बहुत अच्छी माँ थी, बहुत एक अच्छी बेटी थी, बहुत अच्छी पत्नी और सबके बहुत अच्छे नानी थी, है ना, बहुत अच्छी नानी थी ना? और वो बहुत अच्छी सबकी दोस्त थी और उनसे ही बढ़ के बहुत अच्छे इंसान। तो उनके लिए जितना भी आज ने आपने, जैसे मैंने कहा था, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो एक पन्ना है, किताब बाकी है। जितना कुछ हमने सुना है बहुत कम है, अभी वो और बहुत सुंदर से किताब लिखेंगी। और जो हम लोग आज मिलकर इतना सुंदर प्रार्थना किए हैं, आप इतना ध्यान से तब से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 2 घंटे कीर्तन बहुत होता है, प्रेयर मीटिंग में अक्सर 1 घंटे 40 मिनट लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, इस बात की बहुत सराहना है। और ये सब हमारी आवाज़ जरूर ऊपर तक पहुँची होगी भगवान तक, और माता जी भी आज इस संगीत को सुन रही होगी और बहुत खुश हो रही, उनको प्राउड फील करती हुई अपने जो परिवार में संस्कार दिए हैं आज बच्चों ने उसको निभाया है। ये पहली सीढ़ी आज है, इसलिए असली श्रद्धांजलि वही है जो उनके अच्छे कार्य थे, जो बड़ों को सबको प्यार देते थे ना। बड़ों काम क्या था कि माला बना के हमेशा घर को रखना, माला में पीरो के रखना, जो पहले के लोग करते थे, आजकल अलग अलग हो जाते हैं। पहले क्या करते थे, सब पूरे बड़ी से बड़ी फैमिली को एक करके रखना। और जो इस बार कोविड काल में ये चीज़ समझाया मैं कि एक रहने का फायदा क्या मिला है। तो माता जी बहुत महान थी, पूरी एक सुंदर सी माला बना के अपनी जिंदगी में एक सुंदर सा गुलदस्ता बनाया और उस गुलदस्ते के जो फूल है मैं उनका थोड़ा नाम लूंगा, उनके पुत्र सुधांशु सिंघल जी, पुत्र वधु श्रीमती रश्मि सिंघल जी और उनकी पुत्री है मनीषा जी और दामाद हैं डॉक्टर अनुराग गर्ग जी और दूसरी पुत्री है मोनिका जी और दामाद हैं श्रीमान अनिल गुप्ता जी। और जो उस गुलदस्ता के और सुंदर सुंदर फूल हैं जो सामने दिख रहे हैं, वह तेजस, सोनाली, सुरभि, मानसी, अदिति और भी होंगे बहुत बच्चे, सबका नाम मेरे पास नहीं है। तो जितने भी परिजन के बच्चे जो सबको बहुत उनका आशीर्वाद मिलेगा आज जो हम लोगों ने इतना सुंदर प्रार्थना किया है। ब्रह्मांड की चुपाई करो, कोई अपनी कोई भावना अगर व्यक्त करना चाहे, हो सकता समय बहुत हो गया क्योंकि पीछे दिखता उधर तैयारी हो गई है। मानसी बहुत अच्छे से भावना दे दी अपने संगीत के माध्यम से, और कोई कुछ अगर बोलना चाहे तो बात श्रद्धा की बोल सकते हैं। इस दुख की घड़ी में इतने लोग आए, परिवार की तरफ से सबका बहुत हार्दिक धन्यवाद है कि क्योंकि इसमें एक पता चलता है, एक शक्ति मिलती है कि चलो एक माँ अगर गई है तो उनके बदले में इतने लोग प्यार देने के लिए यहाँ पे हैं, एक शक्ति मिलती है। आप जितने भी लोग आए हैं सभी का बहुत परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भी आप सबको मैं पूरी स्टेज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, इतने देर से बहुत अच्छे से आपने संगीत को सुना। अच्छा मनीषा जी अपने कुछ भावना व्यक्त करेंगे।
ये रामायण की चौपाई इसके बाद होगी, उससे पहले कुछ ही अपने दो शब्द ठीक और भजन तो नहीं करने टाइम हो गया सब लोग मिल गए। रामायण की चौपाई चार पांच है जो पूरे रामायण का सार है। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी राम सियाराम सियाराम जय जय राम राम सियाराम सियाराम जय जय राम। ओ होई है वही जो राम रचि राखा को पर तरफ बढ़ाए देखे दिन तैसी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय सुंदरकांड को क्योंकि सुंदरकांड को बहुत भाव से गाना चाहिए, अलग अलग राग हमने बनाया उनको।
कल शाम को और प्रोग्राम था, आज अभी मैं प्रेयर मीटिंग कर रहा हूँ, शाम को सैनिक फॉर्म में मेरा कृष्ण भजन संध्या है। अलग अलग कभी माता चौकी के रिक्वेस्ट, बहुत सारे मैटर होते हैं हमारे पास, तो कुछ गलती हुई है तो उसके लिए हम सभी स्टेज के जितने कलाकार हैं सभी की क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार फिर से भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि इस परिवार को इतनी शक्ति दे, इतनी सहन शक्ति दे कि माता जी को अपने दिलों में रख के और उन बातों को आगे बढ़े, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे सभी लोग। माता जी को भगवान की तरह रोज उनकी पूजा करो, जो उनके फेवरेट भजन थे आप लोग मिलकर रोज एक बार गाओ, सबसे अच्छा तरीका है। शाम को परिवार के लोग इकट्ठे होके या सप्ताह में एक दिन ऐसा माहौल बनाए कि जो परिजन जो आ सकते हैं, एक कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सब लोग उनके फेवरेट जो भजन गाते थे ना उनको आप मिल के कीर्तन करो, सबसे बढ़िया माध्यम है ना। परिवार जिनका मंदिर था, स्नेह जिनकी शक्ति और परोपकार जिनका जीवन, ऐसी थी मेरी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। याद तो उनको रोज ही करते हैं, बट आज मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आज के विशेष दिन पर आपके यहाँ पे इस भजन संध्या का जो लोग हिस्सा बने और हमारे साथ हमारी मम्मी को याद किया और बहुत प्यार से याद किया। साथ में मैं संगीत धारा के सभी सदस्यों को का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने इतने सुंदर गीतों से हमारी सारी भावनाओं को व्यक्त किया और साथ में इतनी भावभीनी श्रद्धांजलि मम्मी को प्रस्तुत करी। थैंक यू फॉर दैट, स्पेशली मणि जी, किरण जी एंड अभिनीश आपको, थैंक यू सो मच। क्योंकि ज़्यादा इनके लिए बोलना मुश्किल है ऐसी घड़ी में जब माँ ना हो, तो क्योंकि माँ जब तक माँ बाप होते तो बहुत शक्ति रहती है। और इनकी तरफ से मैं कि कुछ जलपान की व्यवस्था है पीछे, आप सब लोग जरूर लेके यहाँ जाएंगे और एक बार सभी लोग सीधे बैठ जाएं, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष वन, शांति पृथ्वी, शांति रापः, शांति रोषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवः, शांति ब्रह्म, शांति सर्वं, शांति शांतिरेव, शांति साम, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अब सभी लोग जलपान लेके इसके बाद जाएंगे। थैंक यू।